पटौड़ी परिवार के छोटे नावत तैमूर अली खान आज पूरे एक साल के हो गए हैं। इस दिन पटौड़ी खानदान के साथ साथ पूरा बॉलीवुड भी छोटे नवाब के जश्न में शामिल है। तैमूर के जन्मदिन के लिए माँ करीना और पापा सैफ ने स्पेशल तैयारियां की है। इस मौके पर दिखाते हैं कैसा रहा तैमूर अली खान का एक साल का सफर। तैमूर अली खान का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। जन्म के वक्त ही तैमूर के नाम पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि जल्द ही तैमूर की चर्चा विवाद के चलते नहीं उनकी क्यूटनेस के चलते होने लगी। तैमूर जन्म के बाद से ही मीडिया में बने रहते हैं। उनकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तैमूर अली खान का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। जन्म के वक्त ही तैमूर के नाम पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि जल्द ही तैमूर की चर्चा विवाद के चलते नहीं उनकी क्यूटनेस के चलते होने लगी। तैमूर जन्म के बाद से ही मीडिया में बने रहते हैं। उनकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बता दें कि ज्यादातर सेलिब्रिटी अपने बच्चों को मीडिया की नजरों से बचा कर रखते हैं, लेकिन तैमूर के साथ ऐसा नहीं है। वह सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सेलिब्रिटी किड हैं। तैमूर के बर्थडे पर मौसी करिश्मा और नानी बबीता कपूर तैयारियों पर नजर डालने के लिए एक दिन पहले ही पटौड़ी पैलेस पहुंच गए। बात अगर तैयारियों की करें तो पूरा पटौड़ी महल लाइट से जगमगा रहा है। तैमूर की मौसी करिश्मा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में पटौड़ी पैलेस खूबसूरत तरीके से सजा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शशि कपूर के निधन के चलते तैमूर के जन्मदिन में ज्यादा धूम धड़ाके की संभावनाएं कम है। बता दें कि तैमूर का बर्थडे अटेंड करने के लिए शाहरुख खान के बेटे अब्राम, लक्ष्य कपूर, यश और रूही जौहर आज पटौड़ी हाउस पहुंचेंगे। मीडिया खबरों की माने तो तैमूर के पापा सैफ ने तैमूर के जन्मदिन के लिए एक गाड़ी खरीदी है।